press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है राउंड वर्ल्ड न्यूज़ में। और आज हम बात करने जा रहे हैं सलमान भाईजान की। जी हां दोस्तों, 2021 में ईद के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के बारे में, जो काफ़ी शानदार होने वाला है। और इसके ही जानते हैं काफ़ी कमाल भरा एक और खबर सामने आ चुका है। दोस्तों आप लोग यही सोच रहे होंगे कि 2021 में ईद के मौके पर सलमान भाईजान की एक फिल्म आ रही है कभी ईद कभी दिवाली, जिसके बारे में सलमान भाईजान ने खुद ही अनाउंसमेंट करके बता दिया है, जिसके जानते हैं स्टोरी एंड प्रोड्यूसर बाय है साजिद नाडियावाला, साथ में जानते हैं इसके डायरेक्टर होने वाले हैं फरहाद सामजी। तो दोस्तों ये काफ़ी कमाल भरा होने वाला है। और आप लोग को बताना चाहूँगा, जानते हैं इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी धूम मच रही है। सलमान भाईजान बैक टू बैक कई सारे फिल्म को लेकर आ रहे हैं। मगर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जानते हैं ईद के मौके पर तो आ रहे हैं, इसमें तो भाई ज़रूर होंगे, मगर आखिरकार हीरोइन के रोल में कौन सा होने वाला है, तो उसको लेकर मैं खुलासा करने आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत अच्छी खास सूत्रों के हिसाब से एक बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ चुकी है, जो काफ़ी लाजवाब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल में ही हाउसफुल 4 में दिखने वाली कीर्ति सेनन, जो काफ़ी कमाल भरा रोल निभाते हुए नजर आई थी अक्षय कुमार के साथ, जो काफ़ी अच्छी खासी कलेक्शन किया फिल्म ने और आखिरकार हिट का जानते हैं टैग लगा लिया। वही बात किया जाए, जानते हैं उनके रोल में नजर आने वाले हैं काफ़ी कमाल भरा सीन, वो भी सलमान भाईजान के साथ। जी आप लोग सही सुने, कीर्ति सेनन सलमान भाईजान के साथ नजर आएंगे 2021 में, वो भी जानते हैं सलमान भाईजान की फिल्म में, जी हाँ कभी ईद कभी दिवाली। तो दोस्तों काफ़ी कमाल भरा होने वाला है। जानते हैं इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे कीर्ति सेनन को लेकर काफ़ी सारे जानते पोस्टरें वायरल की जा रही है, आउट की जा रही है। और जहाँ तक बात किया जाए, आप लोग जहाँ तक सर्च भी करेंगे तो #कभी ईद कभी दिवाली कीर्ति सेनन एंड सलमान भाईजान नजर आएंगे। तो दोस्तों काफ़ी कमाल भरा रिपोर्ट्स ये आ चुकी है, जो काफ़ी फैंस के लिए दिल जीतने वाली है। तो दोस्तों ये तो फाइनल जरूर हो जाएगा, पर उससे पहले मैं आप लोग को रिपोर्ट दे दिया हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही सूत्रों के हिसाब से रिपोर्ट जो आ रही है, जो काफ़ी कमाल भरा है। तो दोस्तों इस बात को लेकर आप लोग की क्या ओपिनियन है सलमान भाईजान की? जी हाँ दोस्तों, 2021 में रिलीज होने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में आखिरकार कौन सी हीरोइन होना चाहिए? आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर दें इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में। और साथ में आप लोग दोस्तों जानते सलमान भाईजान से हर एक रिपोर्ट जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इससे सलमान भाईजान से हर एक जुड़ी रिपोर्ट का नोटिफिकेशन आप लोग को बैक टू बैक मिलता रहेगा।